ये देखिए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फिर नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होगा। आज हम जा रहे हैं, मैं और दिव्यांशु, रुद्रपुर। आज मैं रुद्रपुर के आपको दो मुख्य चीजों के दर्शन कराऊंगा। एक तो है रुद्रपुर में स्थित 5 मंदिर जो बहुत ही भव्य है। आप अगर कभी भी रुद्रपुर आए तो इस 5 मंदिर में आप जरूर जाएं। और दूसरे नंबर पर मैं आज आपको दिखाऊंगा जो इसी 2 अक्टूबर को जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल जी द्वारा पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा तिरंगा लहराया गया, उसके भी आपको मैं आज दर्शन कराऊंगा। तो आप पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहे। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाय। तो हम जा रहे हैं रुद्रपुर घूमने के लिए। वहाँ जिस तरह का भी रास्ते में अनुभव रहेगा वो आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहे। पहुंच चुके हैं हम टोल के पास। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये टोल टैक्स है, जो हमारे ही क्षेत्र में है, देवरिया में ही। ये हमारी एंट्री हो चुकी है लालपुर में। ये रुद्रपुर रोड पर है। हमारे घर से लगभग जितना किच्छा होता है वो अपोजिट साइड है, और ये लगभग 3 किलोमीटर इधर होता है लालपुर, और 3 किलोमीटर वहाँ से अगर हम उस साइड को जाएंगे किच्छा वो होता है। तो ये लालपुर की मार्केट है। यहाँ जो सबसे बड़ी एक फैक्ट्री है वो है महिंद्रा फैक्ट्री, जहाँ बनते हैं ट्रैक्टर। यहाँ ट्रैक्टरों की असेंबलिंग होती है। पार्ट तो सिटकुल में बनते हैं लेकिन यहाँ असेंबलिंग की जाती है। ये हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर तीन पानी स्थित मेडिसिटी हॉस्पिटल। यह रुद्रपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें हर एक सुविधा आपको उपलब्ध होगी। यह जो चौराहा आने वाला है, ये वाला चौराहा, ये है तीन पानी चौराहा। अभी यहाँ रोड बनने जा रही है, ये भी 4 लाइन हो रही है। बीच में कुछ काम रुक गया था, इसकी वजह से ये नहीं हो पाई बीच में, और पूरा हो चुका है आगे से पीछे तक। बस ये रह चुका है, ये भी अब बहुत जल्द हो जाएगी। ये है रुद्रपुर का डंपिंग ग्राउंड। यहाँ पूरे रुद्रपुर का कूड़ा इकट्ठा होता है। ये देखिए, और ये इसके रिसाइकिल के लिए बनाया गया है प्लांट। ये इसके रिसाइकिल के लिए प्लांट है। इसे यहाँ से रिसाइकिल करके इसका अदर चीजों में उपयोग किया जाता है। पूरे रुद्रपुर का कूड़ा यहीं आता है, देखिए। ये जो डंपिंग ग्राउंड है इस पर अक्सर सियासत होती है। जो भी यहाँ प्रतिनिधि लड़ने के लिए आता है, चुनाव लड़ने के लिए, वो हर समय उसका यह मुद्दा रहता है कि हम ये रुद्रपुर से इस डंपिंग ग्राउंड को हटाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हट पाया। इसकी वजह से यहाँ बहुत स्मेल आती है, गर्मी के दिनों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हम पहुँच चुके हैं इंदिरा चौक पर, रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर। इसे रुद्रपुर का बड़ा चौराहा भी बोला जाता है, बड़े चौराहे के नाम से भी ये फेमस है। ये वाली रोड दिल्ली को है, और
ये जो सीधे सामने है ये काशीपुर की ओर गई, और ये बैक साइड में किच्छा, ये किच्छा की और सीपीयू भी लगी है, तैनात है, और वो सामने हल्द्वानी नैनीताल हाईवे है, वो नैनीताल हल्द्वानी हो गई। तो चलते हैं हम और आगे बढ़ते हैं रुद्रपुर। ये आए हैं आज हम पांच मंदिर, रुद्रपुर का बहुत फेमस मंदिर है, आज आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा। ये देखिए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण। ये अगर आप यहाँ की ये खासियत है, अगर आप इस साइड भी देखेंगे तो ये बहुत दूर तक दिखाई देगा आपको, और ऐसे ही इस साइड भी बहुत दूर तक। ये देखिए देखिए ये है बजरंगबली हनुमान। भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश। भगवान कृष्ण और राधा। बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ लग रहा है। ये है रुद्रपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर, पांच मंदिर। शनि महाराज, धन्यवाद अंकल जी। और ये है यहाँ जूते चप्पल रखने के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि किसी श्रद्धालु के जो जूते चप्पल हैं वो खोए नहीं, रैक बनी हुई है, इसके टोकन मिलते हैं, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये है पांच मंदिर रुद्रपुर। ये आपको रोडवेज से लगभग 2 किलोमीटर अंदर मेन मार्केट में मिलेगा। आप रोडवेज से जैसे ही मेन मार्केट की तरफ भगत सिंह चौक की तरफ आएंगे वहाँ ये मंदिर है। ये रुद्रपुर का है गांधी पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। अभी यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है खाली, जब खाली समय रहता है, और उसके अलावा यहाँ जितने भी रुद्रपुर के अंदर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर को जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं वो सब यहीं होते हैं। और आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा और बहुत से सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा
कि रुद्रपुर में उत्तराखंड का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था 2 अक्टूबर को। तो ये वो झंडा है, मैं आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए। आपको मैं पास जाकर दिखाता हूँ, ये है वो झंडा, आप देखिए। तो यह 2 अक्टूबर 2021 में इसी 2 अक्टूबर को, इसी महीने की 2 अक्टूबर को माननीय राजकुमार ठुकराल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, यह लगाया गया, जिसमें इस झंडे को लगाने की जो मुख्य भूमिका रही है वह राजकुमार ठुकराल जी की ही रही है। उन्हीं की वजह से ये झंडा यहाँ लग पाया है, क्योंकि पूरे अगर राज्य में एक कुछ अलग होता है तो बहुत अच्छी बात है किसी भी क्षेत्र के लिए। आप देख रहे हैं पीछे किस तरह से लहरा रहा है वो झंडा। यह अभी पहुंच चुके हैं हम किच्छा रोड पर गौतम हॉस्पिटल के पास। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है और बगल में एक पेट्रोल पंप भी है।
तो आ गए हम रुद्रपुर से घर। बड़ा मज़ा आया था वहाँ, गर्मी भी काफ़ी हुई और अभी हम पहुँच चुके हैं घर। दिन में तो धूप निकली थी लेकिन अभी शाम के वक्त थोड़ा बादल लगे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम कल सुबह 8 बजे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।